मेरा नाम भारतीक अग्रवाल है, मैं आकाश की अम्बाला सिटी ब्रांच में पढ़ता था। अभी हमारा जी मेंस 2024 एग्जामिनेशन हुआ था, तो उससे मेरी ओवरऑल परसेंटाइल 99.9935 आई थी और मेरी मैथ्स में 100% आई थी। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? ऑन एन एवरेज मेरे स्टडी आवर्स 8 आवर्स पर डे रहते थे। Yes, sir. और कौन से बुक्स आपने फॉलो करी आकाश की? खुद नोट्स लिए जी? हमारे टीचर जो नोट्स लिखाते थे वो बहुत ही बढ़िया होते थे, सफिशिएंट होते थे थ्योरी पर्पस के लिए। प्लस जो हमें मॉड्यूल्स मिलती थी आकाश की तरफ से, अकॉर्डिंग टू मी एकदम सफिशिएंट है। इसके अलावा हमें किसी और पब्लिशर की एक्स्ट्रा बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। बनाते थे कोई? हाँ जी। तरीका ऐसा बताओ जिससे अगले बच्चे जो आपको देख रहे हैं, जिनका एस्पिरेशन है, जो चाहे आकाश आते हैं या नहीं आते हैं, वो कैसे इतना परसेंटाइज ले सके? मेरा सजेशन यही है कि जो टीचर्स पढ़ाएं, पहली बात तो आप सब कुछ कॉपी में अपनी नोट डाउन करें। कुछ भी ऐसा मत सोचें कि मेरे को याद रहेगा तो मैं इसे कॉपी में नहीं लिखता। अपने कंप्लीट नोट्स रखें और जो भी आप टेस्ट दें उसका एरर एनालिसिस हमेशा करें। जब तक एरर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं। अच्छा, आप जो साथ बैठे हैं आपके भी अच्छे मार्क्स हैं, बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम जैशन मित्तल है, मैं कैथल ग्राम से आता हूँ और मैंने इस बार जेईई मेन 2024 में 99.963% अचीव किया। मेरा मैथ्स में 100% आया। मैथ्स में 100% आना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब जो आपका प्रोसेस होगा इसके बाद का, वो क्या रहने वाला है और आप उसमें स्कोर करोगे? मेरा इसके बाद का प्रोसेस यही है कि सेकंड फेज के लिए और एडवांस के लिए भी अच्छा प्रिपेयर करो और इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा, क्या एडवांस के लिए ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी या चल जाएगा जितने से कर रहे हो, जितना मीठा डाला उतनी से हो जाएगा? अभी रिवीजन तो करते रहना पड़ेगा और सिलेबस तो सारा कवर हो ही गया। आकाश को कोई हेल्प मिलती है जब जैसे क्वेश्चन पूछते हो? कई बार शाम को आपको कुछ आ गया आफ्टर द क्लास? हम डाउट कभी भी टीचर्स लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो घर में कोई इंजीनियर डॉक्टर आपके हैं जो आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं? मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं। दोनों डॉक्टर? आप भी डॉक्टर बनना चाह रहे? नहीं, मैंने इंजीनियरिंग में कराया। तो उन्होंने कहा नहीं कि आप भी नीट क्लियर करो और डॉक्टर बनो? मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था तो इसलिए मैंने, इसीलिए आपने 100% भी लिया। मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है तो मैंने इसलिए। क्या बनना चाहते हो आप? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनने के बाद कोई एक सपना होता है, गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो? उस बारे में नहीं सोचा। सोचा नहीं? आकाश में वो करियर कोचिंग देते हैं, उसके बाद का बताते नहीं, गाइडेंस नहीं करते? अभी मेरा फोकस फिलहाल तो सिर्फ पढ़ाई पे है। अभी टीवी देखते हो? टीवी हाँ देखता हूँ, थोड़ा बहुत देखते हो। क्या पसंद है आपको टीवी? टीवी में कभी कभी जैसे खुद को रिफ्रेश करने के लिए कभी थोड़ी सी न्यूज़ देख लेता हूँ। न्यूज़ देखते हो या कॉमेडी भी देखते हो? अच्छा, आप सब जो टॉपर हैं, कोई एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहेगा कोई जिससे आप बच्चों में हेल्प हो जाए? कोई बताना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं? मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, मैं आकाश में पढ़ रहा हूँ। मेरा जेई मेन 2024 में फिजिक्स में 100% आई लाया है। और अपने बारे में मैं बता दूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली, बट हमने जेई मेन एज अ प्रैक्टिस दिया था ताकि हम समझ सकें कि हमारा नीट के अंदर क्या लेवल है। तो उसमें मैंने फिजिक्स में 100% स्कोर किया है। ओवरऑल भी मेरा परसेंटाइल 99.66 है। तो एक बच्चों को जो एडिशनल पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है बच्चे इधर उधर बहुत भटकते हैं, जो उनके टीचर्स हैं जो उनको बताते हैं उनसे पूछते नहीं हैं, इधर उधर ऑनलाइन जाकर कुछ भी बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से हमारे सर भी आकाश में हमें यही गाइड करते हैं कि इधर उधर भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो टीचर बता रहे हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है उन पर पूरा भरोसा रखिए, आकाश में कुछ भी कमी नहीं। चंडीगढ़ वाली ब्रांच में हूं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ ब्रांच से हूँ जी। अच्छा, अभी मेरा आगे प्लान वैसे तो नीट का है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जेई में भी अच्छा रैंक आए। थोड़ा इट्स लाइक अ फेदर इन माय कैप। तो दोनों आप दे रहे हो, जेई भी और वो भी? हाँ जी सर। क्या कुछ भी बन जाओगे? नहीं, माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स तो मेरा भी वही एस्पिरेशन है वैसे। यार दोनों तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैथ्स एंड साइंस दोनों को कैरी करना। हाँ जी, थोड़ा सा है, बट मैथ्स भी ऐसे 10th में मेरा काफ़ी अच्छा परसेंटेज था, आई हैड अ गुड होल्ड इन मैथ्स आल्सो। और कुछ जो आप शेयर करना, जो भी इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ रिक्रिएशन जरूरी होती है कि नहीं होती? यस सर, मैं डांस करता हूँ बहुत अच्छा, भांगड़ा। मैंने अभी कल परसों मेरी फेयरवेल परफॉर्मेंस थी, मैंने भांगड़ा परफॉर्मेंस किया था बिना तैयार किए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि बाकी लोग जो परफॉर्म कर रहे थे उन पर काफ़ी शोर मच रहा था, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए मैंने खुद से ही डांस। फैंस होंगे अब तो बहुत ज़्यादा सर, बहुत फैंस हैं।
तो आज किसी को आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉल करके सबको विश किया क्या? सुबह से विशेज आ रही होंगी। पेरेंट्स के अलावा रिश्तेदारों को पता लगता है तो कैसा लगा उनको? सर जो रिश्तेदारों का रिएक्शन की पेरेंट्स का रिएक्शन होता है दैट इज प्राइसलेस, दैट इज प्राइसलेस है ना। हाँ जी सर। किसी को बताया हो जैसे पेरेंट्स को तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था थोड़ा बताना जरा हमारे? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली सुबह सुबह 7 बजे हम मुझे पता लगा था, हमारे सर का मैसेज आया था कि अपना रिजल्ट चेक कीजिए, तो मेरे पापा को मेरी बुआ को बता के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे जो फूफा जी हैं ही इज एन IAS ऑफिसर। हाँ जी तो हाँ जी उनका फ़ोन है बहुत मतलब अच्छा, दिल्ली में रहते हैं वो, तो मेरे पापा काफ़ी उनको एडमायर करते हैं तो उनसे शाबाशी लिखते हैं। हाँ जी तो चलिए ठीक है, वी विश यू लक कि आप सब अच्छे अच्छे इंजीनियर एंड डॉक्टर जो भी आप बनना चाह रहे हो वो बने, और ऐसे जब हम फाइनल्स में आपके मार्क्स देख के आएँ तो ऐसे ही आपके हर गले में हार होंगे। हाँ जी सर। ठीक है, आपके पेरेंट्स वैसे ही प्राइसलेस रिएक्शन दें आपके लिए, तो सब बाय कर दीजिए हमारे बच्चों को। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग। हाँ कीप स्टडिंग।